दोस्तों, मैं दिव्यन्द मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आप लोग इसका हमारे यूट्यूब का सभी अपडेट नोटिफिकेशन चाहेंगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको इसका सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्क्रीनर रेगुलर व्यू देता हूँ बाइसेल सिग्नल कम स्क्रीनर के थ्रू में मेरा वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे और वेबसाइट पे व्हाट्सएप ग्रुप पे और इसका थ्रू में मैं बहुत सारा चार्ट एंड और भी कुछ दिखाता हूँ। तो इसको अपडेट करने के लिए मैं फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, फिल्टर में जाइए। मैंने पहले भी बोला था कि ये प्रोबेबिलिटी को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप लोगों को सभी का ट्रेंड, कोई भी सेटअप आप लोग लगा लीजिए, वो अपने आप मिल जाएगा, फेवरेबल दिखाएगा। मैंने प्रोबेबिलिटी 1 और 2 को किया। उसके बाद देखता है इधर से करते हैं, इधर से MACD क्रॉसओवर, सॉरी EMA क्रॉसओवर दिखाता हूँ। उसके बाद बोलिंजर बैंड मिडिल बैंड का तो हो गया, अपर बैंड भी दिखाता हूँ और MACD तो पॉजिटिव हो गया, RSI को दिखाता हूँ और RSI को स्किन कर लिया। और इधर देखिए LTP का हिसाब से बाइसेल लेवल कहाँ पर है, वो पिवट पॉइंट का R1 के ऊपर है, वो MA5 MA मूविंग एवरेज 5, 15, 30 एंड 200 इसको भी दिखाएगा, वो भी देख लेते हैं। देखिए इधर सभी पॉजिटिव है, इसको स्क्रीन कर लेते हैं। देखते हैं और ये 200 है ना, 2 इतना 52 वीक का ज़रूरत नहीं होगा, इतना न्यू हाई लो उसको खोल लेता है। और इधर देखिए पॉजिटिव चेंज इन प्राइस अपने आप आ गया, पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम इसको खोल लेता है, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इसको भी कर ले सकते हैं लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रेंड अपने आप ऊपर ही जाएगा। मेरा आज का वीडियो, रोज़ का वीडियो आप लोग देखेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन वो ट्रेंड जिधर है उधर ही जाता है और जो लेवल जो देता हूँ उसको उधर ही जाता है। तो ये लेवल आप लोग देख लीजिए। मैं इसको थ्रू में थोड़ा सा ऑप्शन चेन में भी दिखाता हूँ, चार्ट में भी दिखाता हूँ। देखिए जो लोग ऑप्शन चेन में बिगिनर्स है और जो लोग बिगिनर्स है तो उसके लिए ऑप्शन चेन जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इधर इक्विटी SNSE में इक्विटी जो डेरिवेटिव है, ये तो जो टेबल ऑप्शन चेन का टेबल है, इधर जो इस टेबल में ये लेफ्ट साइड में ये कॉल ऑप्शन और पुट साइड में राइट साइड में पुट ऑप्शन, तो इसको ये जो पीला वाला एरिया है ये इन द मनी है और ये जो पीला वाला कलर है पुट साइड में ये आउट ऑफ द मनी है। और ये जो क्रॉस एकदम इसका नज़दीक है 3074 और 3100 ये एट द मनी है। तो इस एट द मनी का मतलब ये है कि जब आप 3050 आप जो कॉल ऑप्शन पकड़ेंगे तो 3050 जब पकड़ेंगे तो 3074 है तो ये इन द मनी हो गया, और जब आप 3150 पकड़ेंगे तो 3074 करंट प्राइस है तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया, और 3100 एट द मनी हो गया। पुट ऑप्शन में भी ऐसा है। और इसको कैसे एनालाइज कर देखते हैं, इधर जो कि इधर सबसे ज़्यादा कॉल साइड में सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है इधर इसमें है, स्ट्राइक प्राइस में है, 3100 स्ट्राइक प्राइस में है, इसको रेजिस्टेंस माना जाता है।
और इधर जो पुट साइड में जो सबसे ज़्यादा